सो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम दी प्रीवियस लेक्चर, जो कि हमारा आधे बीच में छूट गया था। इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि ये डायग्राम किस तरीके से हमारा जनरेट हो रहा है। थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है हमारे सिस्टम में, प्लीज बियर इट। ठीक है, सो एच वी सप्लाई, दिस इज एलवी सप्लाई। ठीक है, ये हमारा जाएगा सीधा टू दी सीआरटी को जाएगा, और ये जाएगा टू ऑल सर्किट्स। बाकी सर्किट्स अब देखिए, ये हमारा यहाँ से एक हमारा सप्लाई आ रहा है, जो कि सबसे पहले किसको जाएगा, टी ट्रिगर सर्किट को। ये जाएगा टाइम बेस जनरेटर को, एक जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर। और ये जो है हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर हमारा किससे कनेक्टेड रहेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेट से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन है। ठीक है, और दिस इज व्हाट, दिस इज दी स्क्रीन गाइस। तो समझने वाली बात ये है कि जो हमारा सबसे पहला ब्लॉक है, दैट इज दी पावर सप्लाई ब्लॉक। ठीक है, जो पावर सप्लाई ब्लॉक क्या करेगा, इट प्रोवाइड्स दी वोल्टेज, इट प्रोवाइड्स दी वोल्टेज रिक्वायर्ड बाय द कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब टू जनरेट एंड एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन बीम एज वेल एज सप्लाई द रिक्वायर्ड ऑपरेटिंग वोल्टेज टू द सर्किट ऑफ द ऑसिलोस्कोप। ठीक है, इस ये जो हमारा पहला जो वोल्टेज पावर सप्लाई ब्लॉक है, ये पावर सप्लाई ब्लॉक क्या करेगा, देखिए ये जो है हमारा कहाँ जा रहा है, वोल्ट्स डिवीजन में कहा जा रहा है, वोल्ट्स स्लैश डिवीजन में। ये हमारा इनपुट सिग्नल है गाइस, यहाँ से हम लोग इनपुट सिग्नल देंगे। ये हमारा पावर ब्लॉक का एरिया होगा। यदि पावर ब्लॉक एरिया का काम, पावर सप्लाई ब्लॉक क्या करेगा, ये वोल्टेज हमारा प्रोवाइड करेगा ताकि हम लोग इलेक्ट्रॉन बीम को एक्सेलरेट किया जा सके। ठीक है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम, ये जो हमारा वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम है, ये वेरियस प्रकार के वर्टिकल एम्पलीफायर्स को इंक्लूड करता है और एक डिले लाइन भी देता है अटेन्यूएटर के इनपुट में। ये जो सिग्नल्स होते हैं, इनको एग्जामिन किया जाता है बिफोर अप्लाइंग टू द वर्टिकल प्लेट्स, डिफ्लेक्शन प्लेट थ्रू इनपुट अटेन्यूएटर एंड अ नंबर ऑफ एम्पलीफायर स्टेजेस। बहुत सारे अलग अलग स्टेजेस से इसको गुजार के यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ताकि इसमें इनफ इतना स्ट्रॉन्ग मेजरेबल डिफ्लेक्शन हो ताकि वो हमारा इस स्क्रीन में शो करे। नहीं तो अगर बहुत ज्यादा हाई लेवल का डिफ्लेक्शन या हमारा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके का सिग्नल इसमें पड़ेगा तो क्या होगा, हमारे स्क्रीन में वो चीज दर्शित नहीं होगी। जो एम्पलीफायर है, रिस्पॉन्स must be wide enough to pass faithfully the entire band of frequencies to be measured. ठीक है, जो भी हमारा एम्पलीफायर रहेगा तो उन्ही चीजों को उसमें से हमको प्रोवाइड करेगा जिसका मेजरमेंट हमको करना है। दूसरा है हमारा, वो है हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टम। ये जो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन, देखिए दिस इज दी वर्टिकल
वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम और दिस इज द हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टम। ये हॉरिजॉन्टल, ये एक स्वीप वोल्टेज जो है हमारा, ये वर्टिकल एम्पलीफायर के थ्रू हमारा ट्रिगर सर्किट में जाएगा। ये क्या करेगा, ये ट्रिगर सर्किट टाइम बेस जनरेटर को प्रोवाइड करके हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट को ये चीजों को प्रोवाइड करेगा, और टाइम ये प्रोवाइड करने के बाद ये हमारा विद द हेल्प ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर हमारा किस में जाएगा, सिंक्रोनाइज होके, ट्रिगर होके, एम्पलीफाई होके हमारा जाएगा डायरेक्टली टू द हॉरिजॉन्टल प्लेट्स, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेट के बाद ये हमारे स्क्रीन पे जाके यहाँ पर जो हमारा एक्चुअल जो शो ऑफ करना है वो हमारा यहाँ पर दिखाई देगा। तो टाइम बेस्ड जनरेटर जो है हमारा, जो नॉर्मल फॉर्म ऑफ सीआरओ यूज, और टाइप ये इसके बाद हम लोग देखेंगे हमारा टाइम बेस्ड जनरेटर। ये जो टाइम बेस्ड जनरेटर है हमारे, देखिए यहाँ पर टाइम बेस्ड जनरेटर, ये टाइम बेस्ड जनरेटर क्या करेगा, ये एक हॉरिजॉन्टल इनपुट वोल्टेज शो कर रहा है जो कि इंटरनली जनरेटेड रैंप वोल्टेज, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम बेस्ड, इसको ये जनरेट करता है। और ये जो टाइम बेस्ड जनरेटर है ये सॉटूथ वेव्स को जनरेट करने के लिए काम करता है, तो ऑसिलोग्राफिक पर्पस के लिए जो सॉटूथ वेव्स होते हैं उसको प्रोड्यूस करता है। ये जो स्वीप वोल्टेज और जो फाइन बेस वोल्टेज है ये हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टम में दिखाई देते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा ट्रिगर सर्किट, ये दिस इज द ट्रिगर सर्किट। ट्रिगर सर्किट का यूज क्या है, ये टाइम बेस जनरेटर के लिए एक स्वीप वोल्टेज डेवलप करता है, क्या करता है, स्वीप वोल्टेज डेवलप करता है। कैथोड रे ट्यूब जो है इज वेयर द इनपुट सिग्नल डिस्प्लेड, ये जो कैथोड रे ट्यूब है ये जहां पर हमारा इनपुट सिग्नल डिस्प्ले होता है, और हम लोग विद द हेल्प ऑफ वेरियस मेजरिंग एलिमेंट्स हम लोग करेंट को क्या कर लेते हैं, मेजर कर देते हैं। और जब हम लोग इसको मेजर करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि दिस द आरएमएस वैल्यू ऑफ करेंट। सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द इज ऑफ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द सीआरओ। सबसे पहला है हमारा पावर सप्लाई बॉक्स। पावर सप्लाई बॉक्स का काम क्या है, पावर सप्लाई बॉक्स वोल्टेज प्रोवाइड करता है हमारे इलेक्ट्रॉन गन को, ताकि वो क्या कर सके, ट्रिगर्स कर सके। जो दूसरा है हमारा वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम, इस वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम में एक हमारा वर्टिकल एम्पलीफायर है, ठीक है, और एक डिले लाइन है, और इनपुट अटेन्यूएटर है। ये क्या करता है, जो सिग्नल्स हैं जिनको जो एग्जामिन होने वाली हैं वो वर्टिकल प्लेट्स, डिफ्लेक्शन प्लेट्स को इनपुट अटेन्यूएटर के थ्रू After going through number of amplifying stages, ये जाता है हमारा वहां पर, और वो जो signals होते हैं ये measurable deflection produce करने के लिए enough नहीं होते, तो amplify हमको signal को इसी कारण करना होता है ताकि वो उतने speed up करके हमारे जो उसकी magnitude को बढ़ा दे, और amplify करके हमारा जहाँ जो screen है वहां पर वो क्या कर दे, हमको display कर दे। So this is what the vertical deflection system is all about. दूसरा है हमारा horizontal deflection system. ये horizontal deflection system क्या provide करता है? Horizontal deflection system हम लोग को एक sweep voltage horizontal या x deflection plate को provide करता है। ये directly voltage के रूप में दिया जा सकता है, but हम लोग उसको क्या करते हैं, जैसे ही एक एक्सटर्नल सिग्नल को हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टम में अप्लाई किया जाता है तो उसको हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर के थ्रू उस तक पहुंचाया जाता है, नहीं तो, और एक स्वीप सिलेक्टर काम करता है जो कि एक्सटर्नल पोजीशन पे रहता है, और जब स्वीप सिलेक्टर स्विच ऑन होता है इंटरनल पोजीशन में, तो हॉरिजॉन्टल जो हमारा एम्पलीफायर है वो इनपुट रिसीव करता है, और शॉर्ट टू स्वीप जनरेटर जो हमारा ट्रिगर करता है सिंक्रोनाइजिंग एम्पलीफायर को। सो दिस इज दी टॉक्स ऑफ दी दिस हॉरिजॉन्टल एक्स डिफ्लेक्शन प्लेट। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दी टाइम बेस्ड जनरेटर। ये जो टाइम बेस्ड जनरेटर है हमारा, टाइम बेस्ड जनरेटर जो है इसका काम क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल इनपुट वोल्टेज को इंटरनली जनरेट करता है, जनरेटेड रैंप वोल्टेज जिसको हम लोग टाइम बेस बोलते हैं वो जनरेट करता है। ये जो टाइम बेस जनरेटर है ये सॉटूथ वेव्स प्रोड्यूस करता है ऑसिलोग्राफिक पर्पस के लिए, और ये जो स्वीप वोल्टेज या फाइन बेस वोल्टेज है ये हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टम को प्रोवाइड होता है, और फिर उसके बाद वो जाता है और स्क्रीन में हमारा जो हॉरिजॉन्टल लेवल की चीजें हैं उसको क्या कर देता है, प्रदर्शित कर देता है। नेक्स्ट है हमारा कैथोड ट्रिगर सर्किट। ट्रिगर सर्किट क्या करेगा,
टाइम वेव जनरेटर को स्वीप वोल्टेज प्रोड्यूस करने के लिए हमारा ट्रिगर सर्किट का काम होता है। स्वीप वोल्टेज प्रोड्यूस करता है कौन? हमारा ट्रिगर बेस सर्किट। इसके बाद जो हमारा है कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब क्या करता है? सिर्फ हमारा जो आउटपुट है, ठीक है, जो इनपुट है उसको डिस्प्ले कराने का काम करता है। सो दिस इज द एंटायर ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। इस सब इसमें एक लास्ट टॉपिक जो इस फर्स्ट में बच गया है वो है हमारा क्या, कंट्रोल्स ऑफ द सीआरओ। सो व्हाट आर द कंट्रोल्स ऑफ द सीआरओ वो हम लोग देख लेते हैं। Controls controls provided on CRO। तो पहला कंट्रोल है वो है हमारा वर्टिकल सेंटरिंग works in works in work vertical deflection। शुरू से हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा सिस्टम में एरर्स आ रहे हैं। पहला हम लोग देखते हैं व्हाट आर द कंट्रोल्स प्रोवाइडेड ऑन सीआरओ। तो जो पहला कंट्रोल है वो है हमारे वर्टिकल सेंटरिंग वर्क्स इन वर्टिकल डिफ्लेक्शन, ठीक है। जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन के समय वर्टिकल सेंटरिंग वर्क्स होता है। दूसरा हॉरिजॉन्टल सेंटरिंग वर्क्स इन हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन जो है हमारा वो है हमारा इंटेंसिटी टू एक्सिस मॉड्यूलेशन कंट्रोल्स फॉर controls for एक मिनट गाइस, थोड़ा सा आई विल What we'll do, पहला हम लोग एक बार फिर से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। कंट्रोल्स जो है हमारा
What are the controls? Controls. Controls. Controls provided on CRO. तो पहला जो है वो वर्टिकल है, सेंटरिंग वर्क. दूसरा हॉरिजॉन्टल सेंटरिंग वर्क, ठीक है. तीसरा इंटेंसिटी मॉड्यूलेशन कंट्रोल, इंटेंसिटी मॉड्यूलेशन कंट्रोल. फोर्थ वन इज फोकस कंट्रोल, कंट्रोल. पांचवा है हमारा कोर्स एंड फाइन कंट्रोल. छठवा है हमारा सिंक सिलेक्टर, सिंक सिलेक्ट. सातवा है हमारा सिंक एम्पलीफायर, ठीक है. दिस आर द बेसिक कंट्रोल्स दैट आर प्रोवाइडेड फॉर द सीआरओ गाइस. अब जो हमारा लास्ट टॉपिक इसमें बढ़ता है वो है लिसोजियस पैटर्न. ये जो हमारा लिसोजियस पैटर्न है ये हम लोग किस चीज के लिए होता है बेसिकली, दिस इज फॉर द ये जो लिसोजियस पैटर्न है, ठीक है, ये एक प्रकार का जब विक्षेप प्लेट्स के दोनों जोड़ों पर पर्याप्त प्रतिवर्ती वोल्टेज अल्टरनेट वोल्टेज प्रयुक्त किए जाते हैं तब सीधी रेखा या एक का कोई बंद लूप रूप में विभिन्न आकृतियां पर्दे पर प्राप्त होती हैं. ये आकृतियां लिसोजियस आकृतियां कहलाती है, ठीक है. लिसोजियस पैटर्न्स क्या है, जब हमारे जो वर्टिकल प्लेट्स हैं, ठीक है, वर्टिकल प्लेट्स में जब हमारा अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है प्रोवाइड किया जाता है तो एक सीधी रेखा मतलब एक स्ट्रेट लाइन और एक क्लोज्ड लूप में हमको दिखाई देती है. इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए इसका डायग्राम थोड़ा बनाना हम लोग को इम्पोर्टेंट है. लिसोजियस पैटर्न, ये जो लिसोजियस पैटर्न है ये जब देखे, ये मान के चलिए हमारा ऐसा एक्सिस है. अब इसको आप ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से ये डेवलप करता है, ठीक है. बहुत जरूरी है ये लिसोजियस पैटर्न को समझना आपको. देखिए ये लिसोजियस पैटर्न वर्क कैसे करता है, हाउ इट बेसिकली वर्क्स. लिसोजियस पैटर्न ये देखिए, ये हमारा एक सिग्नल है, जब ये हमारा सर्कुलर एक यहाँ पर हम लोग देखते हैं और ये हमको प्राप्त होता है इधर,
देखिए इस तरीके से प्राप्त होता है, तो हम लोग इसको एक इसोजियस पैटर्न बोलते हैं। दोनों सिग्नल के बीच कोण जो है उसके ऊपर निर्भर करता है इसोजियस पैटर्न। और मैं इसका आप लोगों को प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा जिससे